₹20 सर्कुलेट की थी फर्स्ट टाइम इंडिया में दादा भाई नानो जी। और नेशनल इनकम को हम तीन मेथड से कैलकुलेट करते हैं, एक है वैल्यू एडेड मेथड, एक और सेकेंड है इनकम मेथड, एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। याद है ये सब अभी पढ़ाया था आपने। फर्स्ट मेथड में हम मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ऐड कर देते, जितना भी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी भी कंट्री में टोटल, वो होता है मार्केट वैल्यू में। और सेकेंड होता है फैक्टर इनकम, जितने भी फैक्टर्स इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनको जो वेजेस मिलती है, लैंड और रेंट होता है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, ये सब जब ऐड कर देते हैं, आप भी कोई जॉब करके आपको सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेंगे, वो सब जब ऐड कर दिया जाता है तो नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है। सेकेंड प्रोसीजर हम फैक्टर इनकम ऐड करते हैं, तीसरे में कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर, जितना भी हम कंज्यूम कर रहे हैं हर घर में कितना कितना आप लोग चीज़ें खरीदने में खर्च कर रहे हो, और दूसरा कि जितना प्रोड्यूसर खर्च कर रहा है, जब उन सबको ऐड कर देंगे तो वो नेशनल इनकम कैलकुलेट होगा। तो थ्री मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी में मतलब हमारी कंट्री में पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर ही अंदर जितना प्रोडक्शन हो रहा है, हम दूसरी कंट्री का प्रोडक्शन नहीं देखेंगे। अगर हमें इंडिया में कैलकुलेट करना है तो इंडिया का जितना भी शिप्स है वहाँ का भी इनकम, जितने जहाज़ हैं उसका भी इनकम, पूरा लैंड एरिया के अलावा जो हमारी वाटर बॉडीज जो है उसका जितना इनकम वहाँ से आ रहा है वो सब हम डोमेस्टिक टेरिटरी में लेते हैं। और फाइनेंशियल ईयर ये होता है जब हम कैलकुलेट करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च। जैसे GDP क्या होता है, करंट प्राइस में सम सब चीज़ों का प्रोडक्शन, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है इस प्राइस को करंट प्राइस आता है। GDP करंट प्राइस, GDP क्या होता है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है इकोनॉमी में एक साल में, मतलब फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट अप्रैल से 31 मार्च के बीच जितना प्रोडक्शन हुआ है डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री से मतलब जितने NRIs बाहर है और जितने फॉरेन यहाँ पर है उनको डिडक्ट कर देंगे NRI की इनकम से। सो टोटल जो होगा वो हम जो कैलकुलेट करते हैं उसको ऐड करते हैं तो वो GDP निकल के आता है, हमारी कंट्री की इनकम कितनी हो रही है। ठीक, होता है वो सब काउंट, लेकिन वो नेट वो होता है GNP में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जितना भी प्रोडक्शन टेरिटरी के अंदर हो रहा है, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं यहाँ वर्क कर रही हैं, जितना भी प्रोडक्शन कर रही हैं वो सब हम GDP में इंक्लूड करेंगे। और जो प्रोडक्ट जितना हमारे इंडियन नेशनल्स बाहर जाके काम कर रहे हैं उनकी इनकम को भी अगर हमें ऐड करना है तो उनको तो ऐड करेंगे, लेकिन जितने हम फॉरेनर्स अपनी इंडस्ट्रीज खोले हुए हैं उसको माइनस करेंगे, फॉरेनर्स की इनकम को माइनस करेंगे तो हम GNP कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। Depreciation को माइनस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है,
सो वो डेप्रिसिएशन हो गया ईयर एंड ईयर, या ऑब्सोलीट हो गया, कोई चीज़ आउट ऑफ डेट हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, या फैशन में नहीं रही, या उसकी डिमांड नहीं रही, सो वो सब जो होता है उससे चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है, उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? मूल्यह्रास। मूल्यह्रास। ओके, आप जो बोल रही थी उसका आंसर इसमें है। क्या मालूम क्या पूछता था? GNP। अगर फॉरेन नेशनल्स यहाँ काम कर रहे हैं तो उनकी इनकम कहाँ जाएगी? सो फॉरेन नेशन इनकम अर्न बाय फॉरेन नेशनल्स इन इंडिया, तो वो इंक्लूड होगी हमारी GDP में और नहीं इंक्लूड होगी GNP में। जितने फॉरेन नेशनल्स इंडिया में काम कर रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम उनकी इनकम को ऐड करेंगे, क्योंकि एक चीज़ ये कि वो GDP का कॉन्सेप्ट ये है कि डोमेस्टिक टेरिटरी, तो उनकी फैक्ट्री हमारी टेरिटरी में है, हमारे देश में है, हमारी सीमा के अंदर है, हमारे देश में है, तो वो चाहे कहीं के भी हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन उनकी फैक्ट्री है इंडिया में, सो वो डोमेस्टिक टेरिटरी, सो वो GDP में इंक्लूड होगा, लेकिन GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में नहीं होगा। फैक्टर इनकम मालूम है क्या होता है? फैक्टर कौन से क्यों कहा है?
नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें टैक्सेस नहीं होते, सब्सिडीज होता है और ये नेट फैक्टर इनकम नहीं होती। सर टोटल फैक्टर इनकम जितना भी टोटल है फैक्टर इनकम का अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट मतलब हमारे देश के वासी, सामान्य निवासी जो, हाँ जितने यहाँ के जो लोग यहाँ रहते हैं, यहीं खर्च करते हैं, यहीं उनको इनकम मिलती है, परमानेंटली यहीं रहते हैं, वो है नॉर्मल रेजिडेंट हमारी कंट्री के। तो जितनी इनकम उनकी हम इनकम जब ऐड कर देते हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट मिल जाता है हमें ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में। इंपॉर्टेंट है कि वो यहाँ के वासी होना चाहिए और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है कि वो जो फैक्ट्री है वो इंडिया
भी ट्रांसफर्स होते हैं, जैसे कि बाहर से आप लोग को कोई गिफ्ट भेज रहा है, कोई पैसा, आपका बेटा काम कर रहा है बाहर इंडिया में, आप लोग को पैसा भेज रहा है, गिफ्ट भेज रहा है, स्कॉलरशिप मिल रही है, पेंशन मिल रही है, वो सब क्या है? करेंट ट्रांसफर्स। तो जितनी भी इनकम एक इंडिविजुअल को, एक इंसान को ये घर में आ रही है सारी सोर्सेज से, अब मुझे बाहर से पैसा आ रहा है या कहीं से किराया आ रहा है या जो भी आ रहा है गिफ्ट की फॉर्म में आ रहा है, वो सारी हम पर्सनल इनकम कहते हैं। सीएसओ क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। पहले सीएसओ जो भी इनकम कैलकुलेट करती थी वो मैं आपको बताना भूल गई कि अब जो है एलएसओ कैलकुलेट करती है इनकम। एलएसओ जो है वो सीएसओ और एलएसएसओ को मर्ज करके बनी है। ये मई 2019 में ऐसा ये स्टैब्लिश हुई थी। पहले सी एस ओ कैलकुलेट करती थी और एल एस एस ओ का अपना अलग सर्वे होते थे। जब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, मर्ज करके एल एस ओ है जो कि अब नेशनल इनकम कैलकुलेट करती है, मर्ज कर हुई मई 2019 में। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ टैक्स लगाती है, उसको कहते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स।
ये सब आप मिस कर चुके हो, कुछ कुछ पढ़ा दिया था मैंने। अभी तक कुछ समझ नहीं आया तो पूछो। मेल आपको दिख रही है? मेल देखा आपने?